राजस्थान में कोरोना का संक्रमण तो थम गया है, लेकिन बैक फंगस ने राज्य में चिंता बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर स्थित SMS अस्पताल की बात करें तो यहां अब तक 500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 180 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी की गई है, जबकि करीब 7 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वाले मरीजों में ज्यादातर वो है जिनके फंगस आंखों व दिमाग तक फैल गया। हालांकि राहत की बात यह है कि SMS अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे 225 मरीजों को रिकवरी के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। SMS में ब्लैक फंगस के लक्षणों को लेकर OPD में रोज करीब 40 से 50 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें से 15 से 20 मरीज प्रतिदिन ब्लैक फंगस से डिटेक्ट हो रहे हैं, जिनकी जांच करने के बाद सर्जरी और आगे का उपचार किया जा रहा है। SMS अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि SMS में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़े तो चरक भवन में इसके इलाज के लिए डेडिकेटेड किया गया था, जहां 150 बेड थे, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ी तो अब दूसरे वार्ड को भी इसमें शामिल किया गया। सब में पहले हमने म्यूकोरमाइकोसिस के लिए चरक भवन को डेडिकेटेड जो है घोषित किया था। इसमें IPD और OPD की सुविधाएं वहां पे लगातार चालू थी। IPD के जो शुरू में हमने 150 वार्ड में डेडिकेटेड वार्ड जो थे 150 बेड्स के वो डिक्लेयर किए थे, लेकिन मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अभी जैसे आज हमारे पास कुल अभी कल तक 503 मरीज आ चुके हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, तो उनके वहाँ जो 150 की संख्या कम पड़ती थी, तो उसके बाद हमने रेडियोथेरेपी के वार्ड्स हमारे SMS में बिल्डिंग में, और कल ही हमने सिटी सर्जरी के वार्ड को घोषित करके इस तरह से हमने लगभग 500 डेडिकेटेड बेड्स के जो है म्यूकोरमाइकोसिस के अलग से वो सेपरेट कर दिए हैं, और OPD की सुविधा चरक भवन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उपलब्ध है।